हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जीआरसी लेक्चरर से रिलेटेड सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, समाज साथ सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है पी ए सोरोकिन ने, ऑप्शन नंबर बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त काम्टे ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मैक्स वेबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे का मत है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है एक से अधिक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है खोज, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य लक्ष्य, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अंतःक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खोज। खोज एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि एक से अधिक व्यक्ति, सामान्य लक्ष्य और अंतःक्रिया, ये तीनों ही सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है टालकट पार्सन्स ने, ऑप्शन नंबर बी है एलेक्स इक्लेस ने, ऑप्शन नंबर सी है एन जे स्मेल्सरर ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टी बी बोटोमोर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलेक्स इक्लेस ने। एलेक्स इक्लेस ने व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एकात्मता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर बी है एस हेनरी मेन ने, ऑप्शन नंबर सी है एफ टानीज ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ई दुर्खीम ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई दुर्खीम ने। एकात्मता के आधार पर समाज का वर्गीकरण ई दुर्खीम ने किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए है आर लिंटन, ऑप्शन नंबर बी है एस एफ नेडेल, ऑप्शन नंबर सी है ई हाफमैन, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आर के मर्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ई हाफमैन। भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग ई हाफमैन ने किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय समूह कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पड़ोस, ऑप्शन नंबर बी पिकनिक समूह, ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन समूह, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया तीर्थ यात्री समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पड़ोस। पड़ोस द्वितीय समूह नहीं है, यह जो है क्या है, पड़ोस एक प्राथमिक समूह है। पड़ोस जो है यह प्राथमिक समूह है, जबकि पिकनिक समूह, मनोरंजन समूह और तीर्थ यात्री समूह, ये तीनों समूह जो है द्वितीय समूह है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पड़ोस। पड़ोस क्या है? पड़ोस जो है यह प्राथमिक समूह है। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अर्जित प्रस्थित प्रस्तुत नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है एक पिता, ऑप्शन नंबर बी है एक पुजारी, ऑप्शन नंबर सी है एक लोहार, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एक ज्योतिषी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक पिता। एक पिता अर्जित प्रस्थित को प्रस्तुत नहीं करता है, जबकि ये तीनों जो है अर्जित प्रस्थित को प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा है संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ऑप्शन नंबर ए दिए गए एम जे हर्ष कोबिट्स, ऑप्शन नंबर बी है ई ए होबेल, ऑप्शन नंबर सी है ई बी टायलर, और ऑप्शन नंबर डी दिए गए इलियट तथा मैरिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम जे हर्ष कोबिट्स। एम जे हर्ष कोबिट्स ने कहा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है,
आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन नंबर बी है ई दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर सी आदम स्मिथ ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया कार्ल मार्क्स ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ई दुर्खीम ने। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण दुर्खीम ने किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची दो से सुमिलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे सूची नंबर वन दिया गया और ये हमारा सूची नंबर दो है। सूची नंबर वन में लेखक का नाम दिया गया है और सूची नंबर दो में अवधारणा का नाम दिया गया है, यानी कि कौन से लेखक ने कौन सी अवधारणा दी है, इन्हीं का हमें आपस में मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। पहले लेखक है हमारे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कौन सी अवधारणा दी थी? तो मैक्स वेबर ने दिया था टेरिटोरियल समूह यानी कि क्षेत्रीय समूह, टेरिटोरियल समूह की अवधारणा दिया था। मैक्स वेबर ने टेरिटोरियल समूह की अवधारणा दिया था। दूसरे हैं इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने कौन सी अवधारणा दिया था? तो इमाइल दुर्खीम ने दिया था मैकेनिकल एवं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी यानी कि यांत्रिक एवं सावयवी एकता की अवधारणा। इमाइल दुर्खीम ने यांत्रिक एवं सावयवी एकता की अवधारणा दिया था। तीसरे लेखक हैं एफ टानिज। एफ टानिज ने कौन सी अवधारणा दी थी? तो एफ टानिज ने दिया था गमाइनसेप्ट एंड गैसलसेप्ट नामक, गमाइनसेप्ट एंड गैसलसेप्ट नामक अवधारणा किसने दिया था? दिया दिया था एफ टानिज ने। और लास्ट है सी एच कूले। सी एच कूले ने कौन सी अवधारणा दी थी? सी एच कूले ने दिया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ कंट्रोल यानी कि औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रकार का नियंत्रण, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप ऑफ कंट्रोल नामक अवधारणा जो है सी एच कूले ने दिया था। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, सूची वन को सूची दो से सुमेलित करिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सूची नंबर वन दिया गया और ये हमारा सूची नंबर दो है, हमें इनका आपस में मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया है हमारा प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप किससे संबंधित है? यह संबंधित है सी एच कूले से। किससे? यह सी एच कूले से संबंधित है। दूसरा है लबरूप एवं क्षैतिज समूह। लबरूप एवं क्षैतिज समूह किससे संबंधित है? यह संबंधित है एच मिलर से। किससे? एच मिलर से। तीसरा है अंतः समूह एवं बाह्य समूह। यह संबंधित है डब्ल्यू जी समनर से। किससे? डब्ल्यू जी समनर से। और लास्ट है द्विक समूह एवं त्रिक समूह। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है जॉर्ज सिमिल से। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप सी एच कूले से, लबरूप एवं क्षैतिज समूह एच मिलर से, अंतः समूह एवं बाह्य समूह डब्ल्यू जी समनर से और लास्ट है द्विक समूह एवं त्रिक यह जो है जॉर्ज सिमिल से संबंधित है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि जीआरसी लेक्चरर के एग्जाम में जो है आपसे आपके सब्जेक्ट से यानी कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड टोटल 80 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं और 40 क्वेश्चन जो होगा वो जीएस के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही जो है आप लोगों का कवर करवा दूंगा। बाकी जो जीएस का पोर्शन होगा, वो जीएस का पोर्शन में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो आप लोगों को 25 अगस्त से रेगुलर मैम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जीआरसी लेक्चरर से रिलेटेड आपको संपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट और संपूर्ण सिलेबस जो है कवर करवाया जाएगा। और ये संपूर्ण सिलेबस जो कवर करवाया जाएगा ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम में जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने पूरा सपोर्ट किया था, आपने बहुत मेहनत की थी और निश्चित ही आपको जो है एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता मिलेगी। यूपी पीजीटी में हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी 120 प्लस प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी में से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जीआरसी लेक्चरर में भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोगों के लिए जीआरसी से रिलेटेड
नेट जेआरएफ से रिलेटेड यानी कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर कंडक्ट करवाया जाता है। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप फ्री में यानी कि उसका कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है, आपको फ्री में रेगुलर जो है एक मॉक टेस्ट भी देने को मिलेगा और साथ ही साथ सोशियोलॉजी से रिलेटेड सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न को। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बे विश्वविद्यालय में और ऑप्शन नंबर डी दिया गया कोलकाता विश्वविद्यालय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बॉम्बे विश्वविद्यालय में। ठीक है, भारत के मुंबई विश्वविद्यालय में, कहाँ पे? भारत के मुंबई विश्वविद्यालय में जो है समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो है समाजशास्त्र विषय का अध्ययन अध्यापन जो है शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। लेकिन अगर भारत का पूछा जाए तो भारत में बॉम्बे विश्वविद्यालय यानी कि मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र शब्द का अध्ययन जो है सबसे पहले आरंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? ऑप्शन नंबर ए है डीएन मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर बी है शरत चंद्र राय ने, ऑप्शन नंबर सी है वैरियर एल्विन ने और ऑप्शन नंबर डी दिए गए एनके बोस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैरियर एल्विन ने। जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए वैरियर एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत की छोटी सी छोटी इकाई को कहते हैं डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक तत्व, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक संकुल, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक क्षेत्र और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक प्रतिमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सांस्कृतिक तत्व। संस्कृत की छोटी से छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है मिशेल फूको, ऑप्शन नंबर बी है जां बोडिलाई, ऑप्शन नंबर सी है एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन नंबर डी दिया गया जाक दरिदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जां बोडिलाई। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक जां बोडिलाई से संबंधित है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक किसने लिखा है यानी कि इनके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर बी है टी पार्सन्स, ऑप्शन नंबर सी है एस एफ नाहेल और ऑप्शन नंबर डी दिया गया लेवी स्ट्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर के मर्टन। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक आर के मर्टन है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है, ऑप्शन नंबर ए है लिखित अभिलेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है आंकड़ों का सांख्यिकी वर्णन, ऑप्शन नंबर सी है समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। ठीक है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति समाज के विश्लेषण के लिए गणना का एक तरीका है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेरिका में। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले वर्ष 1876 में अमेरिकी विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन जो है प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्थित को प्रमुख प्रभुत्वशाली प्रस्थित एवं नियंत्रणकारी प्रस्थित के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए पार्सन्स ने, ऑप्शन नंबर बी आर के मर्टन ने, ऑप्शन नंबर सी राल्फ लिंटन ने और ऑप्शन नंबर डी दिया गया जी एच मीड ने।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राल्फ लिंटन ने। राल्फ लिंटन ने परिस्थिति को प्रमुख प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गलत है? ऑप्शन नंबर ए है समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी है समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों के अभिव्यक्त करते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है ना कि सामान्य अर्थ। समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है ना कि विशेषीकरण विज्ञान, क्योंकि समाजशास्त्र विशिष्ट व्यक्तियों घटनाओं या समाजों के अध्ययन में रुचि नहीं लेकर सामाजिक घटनाओं और प्रक्रियाओं में रुचि लेता है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन नंबर ए है राल्फ टर्नर, ऑप्शन नंबर बी है एस एफ नाडेल, ऑप्शन नंबर सी आर के मर्टन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी राल्फ लिंटन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे क्या होगा हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंसिडर करेंगे। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।